नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धुपिया और अंगद बेदी की जिंदगी में 18 नवंबर को एक नन्ही परी आई है। काम को लेकर संजीदा रहने वाली नेहा डिलीवरी के कुछ वक्त बाद ही अपने टीवी प्रोजेक्ट को होस्ट करती हुई नजर आई। लेकिन इस बीच जब एक न्यूज पोर्टल ने प्रेगनेंसी के बाद बढ़े उनके वजन पर सवाल खड़े किए तो नेहा का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। नेहा ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने वेब पोर्टल की क्लास लगा दी है। पोस्ट में नेहा ने लिखा कि मैं किसी भी तरह से जवाबदेह नहीं हूँ क्योंकि इस तरह का फैट शेमिंग मुझे जरा भी प्रभावित नहीं करती है, लेकिन मैं इसे एक ज्यादा बड़ी दिक्कत के तौर पर रखना चाहती हूँ क्योंकि फैट शेमिंग सिर्फ सेलेब्स के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए बंद होनी चाहिए। नेहा ने ये भी लिखा कि एक नई माँ के तौर पर मैं अपनी बेटी के लिए फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं रोजाना वर्कआउट करती हूँ, कभी कभी दिन में दो बार। फिटनेस मेरी प्राथमिकता है, लेकिन लुक्स के मामले में समाज के पैमानों पर फिट होना मेरी प्राथमिकता नहीं है। मुझे लगता है कि भविष्य में लोग इस तरह के कमेंट करने से पहले सोचेंगे। जाहिर तौर पर नेहा के मोटापे पर जब सवाल उठे तो नेहा धुपिया को गुस्सा आना लाजमी था। वैसे आपको बता दें कि नेहा धुपिया से पहले ऐश्वर्या राय बच्चन को भी इस तरीके से फैट शेमिंग का सामना करना पड़ा था। उनके बड़े वजन को लेकर भी कई लोगों ने सवाल उठाए थे, लेकिन बावजूद इसके ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने मदरहुड को बखूबी इंजॉय किया। शायद वही नेहा धुपिया भी करना चाहती है, इसलिए उन्होंने दिया है बेबाक जवाब। वैसे आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और निमरत कौर जैसे कलाकारों ने नेहा की इस पोस्ट को लाइक किया है। आपको ये भी बता दें कि नेहा ने अंगद बेदी से पिछले साल मई में शादी की थी। दोनों की अचानक आई शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। सोशल मीडिया पर नेहा की चर्चा इसलिए भी हुई थी क्योंकि नेहा शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। बहरहाल नेहा अपने मदरहुड को काफी इंजॉय कर रही है और उन्होंने दिया है वेब पोर्टल को करारा जवाब। उम्मीद करते हैं कि नेहा से आगे से इस तरह के सवाल नहीं होंगे। वैसे बात अगर नेहा के करियर की जाए तो बेटी के जन्म के बाद उनका पूरा फोकस अपने करियर पर है। वो लगातार शो को होस्ट करती हुई और जज करती हुई नजर आ रही है। खैर, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।